हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास एट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन भी बना रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना गलत हो जा रहा था। तो आज हम आप लोगों को सोचे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएं। कुछ लोगों का सही हो रहा था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप तभी बना पाएंगे जब पढ़ाया गया वीडियो आप देखेंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार ऑप्शन दिया है, कोई एक टिक करके सर के पास भेज दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती होने का रीजन एक ये भी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बताएं कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा। अब ये लिख के मान लीजिए चार ऑप्शन दे दिया गया और चारों ऑप्शन में कोई एक टिक करके भेज दे, अरे वो आया कहां से पहले इसकी भी जानकारी आपको है। और ये सब जानने के लिए पहले हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन एडिशन सब्ट्रैक्शन बताए थे उसका वीडियो, फिर मल्टीप्लिकेशन का वीडियो, ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन भी बना पाते हैं। हम पांच क्वेश्चन आपके लिए भेजते हैं बनाने के लिए, और आप क्या करते हैं उसमें से बिना सोचे समझे चार आंसर दिया, चारों में से एक को टिक करके सर के पास भेज देते। तो ऐसे नहीं होगा, आपको बनाना क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनाने से पहले जो एक्सरसाइज पढ़ा दिया गया है उसको आप वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट दिन हमने क्वेश्चन भेजा था, कुछ लोगों ने रिप्लाई दिया था, कहाँ कहाँ गलतियां किन लोगों की हो जाती है ये चीज समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यंजन है 5-2j, तो ध्यान देंगे बोर्ड पर, ठीक है ना, बोर्ड पर ध्यान है। बहुत लोगों का सही भी हुआ था और कुछ गलती भी हुआ, ध्यान देंगे। ये लिखा गया है कि 5-2j, ठीक है, क्वेश्चन ये, और ये कह रहा है कि जेड का गुणांक बताए। तो गुणांक आपको जानने के लिए पहले वीडियो देखेंगे तभी तो पता चलेगा। अब कि ये चार ऑप्शन है, ये चारों ने कोई भी सर के पास दे दी, ऐसा थोड़ी ना होता। तो कह रहा है जेड का गुणांक, तो गुणांक हमने बताया था जिसका भी आप गुणांक पूछा जाए वो देखे किसके साथ गुणांक जेड का। ये देखिए जेड, जेड का गुणांक क्या है बाबू, -2, देख रहे, क्योंकि जेड किसके साथ गुणा है, -2 के साथ गुणा है, तो ये इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा गुणा। फिर से क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन में लिखा गया है 2x²(3x+5), ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि बताइए कि x का गुणांक क्या है, तो आप ये जाने इसके बाद भी हमने क्वेश्चन दिया था, बहुत लोगों का गलती हुआ। तो x का गुणांक, तो x किसके साथ गुणा है, -3 के साथ, तो -3 तो अगर वही क्वेश्चन पूछ दे कि x² का गुणांक बताइए, तो x² किसके साथ गुणा है, 2 का, यानी कि x² गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहले इस चीज को समझना, बात समझ में आ रही है, ये नहीं कि आप जल्दी से कोई टिक करके भेज दे, बहुत लोगों का गलत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये तो समझ गया कि गुणांक, इसके बाद गुणांक अगर कोई क्वेश्चन दे तो गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में कौन समान पद है। समान पद, समान पद कहने का मतलब होता है कि सेम वेरिएबल, समान पद, ठीक है ना, दोनों सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ए है तो दूसरा भी ए होना चाहिए, यानी कि ए है और दूसरा बी है, तो ये होता है सेम रास्ते होना चाहिए। चलिए हम समान पद को खोजते हैं, तो आप यहां देखिए ये x² है और इसमें सिर्फ एक्स है, तो होगा समान पद, होगा ही होगा, क्योंकि x² है और सिर्फ इसमें x है, क्योंकि x इसमें 2 है और इसमें 1 ही है, तो होगा, तो ऐसा ही नहीं, इसमें देख लेते हैं xy, इसमें xy z जाता है, तो होगा ही, ये भी नहीं। सिंपल सी चीज हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि सेम वेरिएबल समान पद किसको कहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसका सोल्यूशन का वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए xy, x भी एक है, y भी एक है, दोनों एक एक लिखे तो होना ही है, यही सब हमारे उल्टा लिख दिया तो क्या होगा। मान लीजिए 2×3 लिखे या 3×2 लिखे,
ये बात तो एक ही हुआ ना, दोनों सेम है, एक्स भी एक बार है इसमें भी एक्स एक बार, वाई भी एक बार वाई भी एक बार। अब इसमें देखिए एक्स है इसलिए एक्स नहीं है। तो समान पद कहने का मतलब होता है कि जो राशि समान हो उसी को समान पद कहते हैं। ये चीज आपको समझना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है किसी वर्ग की भुजा जो है ना एक्स प्लस टू है, तो इसकी परिमाप पता है, किसकी परिमाप, वर्ग की परिमाप। तो हमने आपको वीडियो में भी बताया हुआ है कि परिमाप कैसे निकाला जाता है, ठीक है, परिमाप जो है कैसे निकालते हैं। ये परिमाप किसकी परिमाप बाबू, वर्ग की परिमाप। तो वर्ग की परिमाप हम लोग जानते हैं। अब हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है तो वर्ग, वर्ग मान लीजिए ये वर्ग, तो वर्ग की भुजा दिया गया है, भुजा मान लीजिए एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू, और वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजा बराबर, तो x प्लस टू, तो ये भी x प्लस टू होगा, ये भी x प्लस टू होगा, ये भी x प्लस टू होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बाबू, बराबर होती है। ये चीज समझना। अब कह रहे परिमाप निकालना है तो ये चारों भुजा को जोड़ दीजिए, चारों भुजा को क्या करिए जोड़ दीजिए, तो मान लीजिए चारों भुजा को जोड़ दीजिए, या आप फॉर्मूला भी जानते हैं चार में क्या होता है भुजा, तो चार गुणे भुजा, ठीक है, तो चार का चार हो गया और भुजा कितना है बाबू, तो x प्लस फोर, एक्स प्लस फोर नहीं x प्लस टू, आप मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो फोर में x से मल्टीप्लाई होगा 4x, अब फोर में टू से मल्टीप्लाई फोर टू जाएगा, तो क्या होगा 4x प्लस 8, देखिए 4x प्लस 8 का, ओके, ना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन हम देते हैं। तो हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम भेजते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले इंट्रोडक्शन हो या उसका सॉल्यूशन हो उसका वीडियो आप जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं जल्दी जल्दी टिक करके आप भेज दो, ये आप समझे तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये होता है इसमें कुछ नहीं है, तभी भी आपको बहुत लोगों का गलती हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में कितने पद है, कितने पद है, एक दो तीन, कितने पद हुए तीन, तो तीन पद हो, बस इसमें क्या है कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर लिख दिया जाए, हमने आपको ये भी बताया था कि एक पद वाले को एक पदी करते हैं, दो पद वाले को द्विपदी करते हैं, तीन पद वाले को त्रिपदी करते हैं, बहुत लोगों का सही भी होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि सब लोग का गलती नहीं, कुछ लोग जो समझते हैं जो वीडियो देखते हैं उनका सही होता है, लेकिन कुछ लोगों का गलत हो जाता है और वो पता नहीं वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं। तो ये काम आपका है, आप उसको सही तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि ये 2x, बताइए एक पदी है कि दो पदी है कि त्रिपदी, अरे बाबू उसमें सिर्फ एक ही पद है तो एक पद ही होगा। अगर मान लीजिए हम एक नंबर और जोड़ दें तो देखिए ये दो पद हो गए, दो टर्म हो गए, तो ये दो पद ही हो गया। अगर इसमें हम एक नंबर और जोड़ दें जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, देखिए इसमें तीन पद हो गया, तो ये त्रिपद ही हो गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि 2x प्लस 5x बताइए कितने पद है, एक पद ही कि दो पद ही कि त्रिपद ही, तो बहुत लोग कह देंगे सर दो पद ही है क्योंकि इसमें दो पद है। नहीं, आपको समझना है क्योंकि ये दोनों सेम वेरिएबल है, तो सेम है, ये भी x है ये भी x है तो जुट सकता है, तो 5 और 2 कितना होगा बाबू 7x। क्या समझ रहा है आप, तो ये एक पद ही कह रहा है, क्या इसको हम दोनों को थोड़ी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है, ये सब वेरिएबल अलग अलग है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें सिर्फ x है, इसमें सिर्फ 7 है, तो ये चीज आपको समझना है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को, इंट्रोडक्शन का वीडियो हो, सॉल्यूशन का वीडियो हो, उसको देखें तभी क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, ये भी देखना है कैसे हम क्वेश्चन को आगे आपको समझाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको देखना होगा, हमने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, और वो क्वेश्चन दिए हुए थे 29 डेट जो है ना, वो डेट जो है ना 29 अप्रैल को हमने कुछ क्वेश्चन दिया था जो हमने मल्टीप्लीकेशन आपको बताया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें से भी क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत था,
तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम आपसे नहीं बनवा रहे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को हम आपको सॉल्व करवा रहे। ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन था ये कि उन्हीं लोगों का गलती है जो मल्टीप्लीकेशन का वीडियो नहीं देखी, इसलिए मल्टीप्लीकेशन वीडियो जो है जरूरी, ये ध्यान में हमने बताया हुआ है। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नंबर है ही है, या हम आपको बता भी देते हैं। अगर किसी प्रकार का अगर आपको परेशानी है तो आप जरूर व्हाट्सअप करें और आंसर करें, क्योंकि ये चीज जो है अभी आपके लिए है, आपको समझना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, क्वेश्चन आपके पास तो होगा ही, हमने सेंड भी किया है, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में लग गया है। क्वेश्चन पहला नंबर था हम लोग की एक्स और वन बाई एक्स का गुणनफल, यही तो हम आपसे पूछे थे का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल जो है ना क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों का गुणनफल एक्स गुणे वन बाई एक्स का गुणा पूछे, तो गुणा है इसके नीचे कुछ नहीं, तो वन एक्स एक्स कट गया, वन बाई वन यानी कितना गुणनफल हुआ, वन, यही तो आपका आंसर हुआ। बहुत लोगों ने गलती भी बनाया हुआ था, कुछ लोग जो है सही बनाए, तो नंबर भी हम भेजते हैं, आपको पता भी चल जाता होगा कि किसका कितना नंबर है। ये आप बहादुरी ना करें कि आप कोई भी टिक करके भेज दें, ठीक है ना, तो ये चीज समझना है, ये ध्यान रखना, तो ये चीज आपको समझना है। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि गुणनफल पूछा गया है तो दोनों को गुणा कर दें और देखें एक्स एक्स कट गया, क्रॉस तो कट ही जाएगा, ठीक है, और कितना आ गया, यही आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करें। अब ये क्वेश्चन है 2 + 3x + 4x² + 5x³ का घात होता है, ठीक है। ये भी चीज हमने आपको एक में बहुत चीज बताया था, जिस दिन हमने बताया था द्विजीयक व्यंजक का घात, घात कहने का क्या मतलब होता है हमने आपको बताया था। तो ध्यान दीजिए, अगर x² + 2x + 5 यानी कि वेरिएबल अगर चर दिया है बल, तो चर का मैक्सिमम पावर क्या होगा, अधिकतम घात क्या होगा, चर यहां भी है चर यहां भी, इसके पावर क्या है बाबू, 2, इसके पावर कुछ नहीं तो क्या है, तो अधिकतम तो 2 हुआ, इस बहुपद का यानी कि इस व्यंजक का घात कितना, 2। जो हम बताए थे कि जो मैक्सिमम पावर होता है वही उस बहुपद का घात होता है, तो ये चीज तो आप समझे नहीं, कोई टिक करके सर के पास भेज दो, गलती तो आपका होता, ये नहीं, आप कोशिश नहीं करते हैं कि हमारा 5 सर क्वेश्चन देते हैं तो 5ों में 5 सही, क्यों ये गलत हो जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, हमारे अंदर कमी है कि सर का गलत क्या चीज, कम से कम आप पढ़े तो सही। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिख दिया गया 3 + 3x + 5x³, अब पूछा जाए बताइए इस बहुपद का घात क्या है, तो अधिकतम घात देखिए ना क्या है, अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो 3 होगा, अगर 4 होगा तो 4 होगा, सिंपल सा। अब आपको आ रहा है इस बहुपद में व्यंजक में कौन अधिकतम है, तो अधिकतम क्या होगा, 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1, तो अधिकतम तो 3 ही होगा, तो बहुपद का घात कितना, 3। अब बताइए इतना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आप नहीं बना पाए तो इसको हम क्या समझें, कहीं हमारे अंदर कमी है, इसी चीज को हम समझ पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सही से वीडियो देखें और समझें तब बनाए क्वेश्चन, यानी कि किसी प्रकार का क्वेश्चन जो है सही से, इसलिए हमने आपसे यही वीडियो बनाया, उसके बाद से आज हम क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे कितने लोगों का सही होगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा है कि 4y² - 3y + 5 में y का गुणा, इसका गुणा y में y का गुणा, में y का गुणा, ठीक है, y का गुणा, हमने इसके पहले भी बताया था कि y गुणा किसका गुणा, y, आप देखिए ना y किसके साथ गुणा, ये माइनस है तो माइनस तो जरूर होगा, y का गुणा जो होगा तो माइनस नहीं, अगर y स्क्वायर का पूछता तो सिर्फ 4 हो जाता, तो y का गुणा पूछा है तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो गया, देख लेना है वो किसके साथ गुणा, वही गुणा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में हम पूछे थे कि 2x है, 2x into x into 3
एक्स स्क्वायर है, देख लेते हैं स्क्वायर का इसका ना मान बताएगी मान। तो हमने आपसे बताया था कि पहले नंबर में नंबर से मल्टीप्लाई करिए, दो में तीन से कितना होगा वो छ, एक्स कई को है एक गो, यहाँ कई गो एक गो, एक गो एक गो दो गो, हाई कौ गो दो गो, तो कौ गो हो गया जी चार गो, वो तो गया सर। कितना लोग पता नहीं पांच लिख देते हैं दो तीन बार, अरे गुरुवक गुणा करना है ना जी, की जोड़ना है गुणा करना है, तो दो में तीन से गुणा करेंगे ना, तो दो में तीन से छ होगा, x से यहाँ एक है, x से यहाँ एक, हमने मल्टीप्लीकेशन में बताया था कि कैसे गुणा किया जाता है। इसके पहले वाला वीडियो तो आप देखें जो भेजा गया है, जब तक वो नहीं देखिएगा तब तक समझने में दिक्कत हो। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये भी लिखा गया था, हम आपसे पूछे थे कि पांच नंबर क्वेश्चन में कि 2x plus 3y का मान होता है, बहुत बच्चे तो इसको 5xy लिख दिए थे, इतना अब बताइए इसको हम क्या कहें। हमने आपको जोड़ भी बताया था, अब बहुत लोग सही भी जवाब दिए थे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ये एक्स वाई तो ये कभी जुट ही नहीं सकता, जुटेगा कभी नहीं, क्योंकि ये एक्स है वाई है दोनों अलग अलग वेरिएबल, तो ये कभी नहीं जुट सकता, कभी जुटे गए। तो इसका आंसर हमने ऑप्शन में दिया था कि पहला नंबर में कि 5xy, दूसरा नंबर ऑप्शन दिए थे 6xy, तीसरा नंबर ऑप्शन दिए हुए थे कि 5x2y, और चौथा नंबर था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन था। तो कितना लोग तो ये लिखे दो और तीन पांच एक्स वाई, अरे जुटे ये नहीं जुटे, दोनों अलग अलग रहेंगे जुटे गए, तो कौन सा आंसर होगा इसमें, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कभी जुट ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई है ही नहीं तो गुणा कर ही नहीं सकते, तो कैसे लिखे, अरे ये नहीं जुटे। तो ये क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना, ठीक है, इस चीज को समझना, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक इंट्रोडक्शन का वीडियो देखेंगे नहीं, तब तक सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपसे जो भी क्वेश्चन देते हैं वो बनाने में आपको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, इसलिए वीडियो को देखें और बनाएं, बात समझ में आया। और टिक करके भेजना है तो कोई बात नहीं, कोई भेज देना, चार ऑप्शन दिया है कोई टिक करके भेज दीजिए, है कि नहीं, तो ये समस्या का समाधान, इसलिए पहले वीडियो देखें समझें तब, ठीक है।